हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग के पास वीवो वाई 58 5G मोबाइल फ़ोन है और आपने इस मोबाइल फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक को लगाना चाहते हो या फिर जो फिंगरप्रिंट लॉक होता है उसे सेट करके उसका यूज़ करना चाहते हो, तो आप अपने फ़ोन में किस तरीके से फिंगरप्रिंट को सेट करके यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, आज की इस वीडियो में आप लोग को इसकी जो सेटिंग होती है उसके बारे में बताने वाला। उससे वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजफुल होने वाला है। सो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। सो गाइस, आपको इस फोन में फिंगरप्रिंट को सेट करने के लिए या फिर फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए सबसे पहले फोन की सेटिंग को ओपन करना होगा। आप जैसे फोन की सेटिंग को ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके की जो ऑप्शन होते हैं वो शो होके मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर सिंपली स्वाइप करके कुछ इस तरीके से नीचे आना होगा। आप जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको सिंपली से एक ऑप्शन शो होगा सिक्योरिटी का। तो ये जो सिक्योरिटी वाला ऑप्शन है आपको सिंपली से इस वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करना होगा। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर स्वाइप करके थोड़ा नीचे आना होगा। यहाँ पर आपको एक फिंगरप्रिंट का ऑप्शन होगा, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपने होम स्क्रीन पर कोई पासवर्ड सेट कर लिया होगा तो वो पासवर्ड दे देना होगा। पासवर्ड देते यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के ऑप्शन होने लग जाएंगे, जिसमें यहाँ पर रजिस्टर अ फिंगर का ऑप्शन होगा। तो आपको क्या करना है, आपके फ़ोन की जो पावर बटन होती है वहाँ पर आपको जिस भी फिंगर को ऐड करना है उसे यहाँ पर सेट करना होगा। जिसके लिए आपको यहाँ पर स्टार्ट एनरोलमेंट का एक बटन नीचे शो होगा, इस पर एक बार क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जो पावर बटन होती है वहाँ पर आपको जिस भी फिंगर को सेट करना है उस फिंगर को बार बार टच कराना है, हर तरफ से टच कराना है जब तक कि यहाँ पर पूरी तरीके से टच होकर एक डन का बटन नीचे शो ना हो। तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से अपने फिंगर को यहाँ पर स्कैन करा लेता हूँ। और यहाँ पर आपको स्कैन कराते टाइम एक बात का ध्यान देना है कि आपको फिंगर को यहाँ पर टच करके नहीं रखना है। अगर आप फिंगर को यहाँ पर पावर बटन पर टच करके रखोगे तो आपको यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मेरे फ़ोन में जो डन का बटन आया ये बटन आपको शो नहीं होगा। तो आप सही तरीके से स्कैन करा लीजिएगा, उसके बाद डन के बटन पर एक बार क्लिक कर दीजिएगा। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन में जो फिंगरप्रिंट है वो ऐड हो जाएगा और आप यहाँ से फिंगर से फ़ोन को लॉक या फिर अनलॉक कर पाओगे। ठीक, शुरू।